बनासकांठानी थराद केनाल पर भारे वाहनों पसार कराया। नवा बनावेल पुल पर आज बे भारे वाहनों पसार थई रहा छे। कंडला थी राजस्थान बाड़मेर लई जवामां आवी रही छे मशीनरी। जूना पुलनी क्षमता न होवाथी नवा पुलनुं निर्माण करायुं हतुं। 300 टनो लोखंडनो नवो हंगामी पुल तैयार करायो छे। 1150 मेट्रिक टन अने 760 मेट्रिक टननी बे मशीनरी भारे मशीनरी साथे वाहनों नवा पुल पर पसार कराया। संवाददाता मोगजी चौधरी फोन लाइन पर जोड़ाई गया है। मोगजी, थराद केनाल ऊपर थी भारे वाहनों पसार करवामां आव्या छे, नवो पुल बनावामां आव्यो हतो, वधु शुं विगत? जी भाईगा, जे प्रमाणे वात करीए तो कंडला थी राजस्थान ना बाड़मेर सुधी बे भारे मशीनरी ले जवा माटेनी प्रक्रिया हाथ धरी थी। त्यारे आ मशीनरी कंडला थी निकळ्या बाद थराद नजीक पहोंची थी। थराद थी 10 किलोमीटर दूर जे मशीनरी थी तेने रोकवामां आवी हती, केम के थराद नजीक जे केनाल पर जे पुल हतो ते पुल नी कैपेसिटी नहोती के आ मशीनरी नो वजन सहन करी शके। त्यारे आ मशीनरी ने पसार करवा माटे एक नवा लोखंडना पुल नुं निर्माण करवामां आव्युं हतुं। 4 करोड़ना खर्चे 300 टन लोखंडनो एक नवो पुल तैयार कर्यो हतो ने 10 दिवस अगाउ जे पुल तैयार थयो हतो, परंतु वरसादना कारणे मशीनरी रोकवामां आवी हती। त्यारे आजे जे मशीनरी छे तेने पसार करवानी कामगीरी हाथ धराई हती। अत्यारे जे लोखंडनो पुल बनावामां आव्यो हतो ते पुल ऊपरथी मशीनरी पसार थती जोवा मळी रही छे। एटले के जे भारे मशीनरी छे तेनो 1100 ટન જે એક મશીનરી નો છે, તેમજ બીજી જે મશીનરી છે તેનો 760 મેટ્રિક ટન, એટલે કે બે ભારે જે મશીનરી છે તેને બંને ભારે વાહનોમાં પસાર કરવાની હોય તો તમામ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી। લોખંડના પુલ ઉપરથી અત્યારે આ મશીનરી પસાર થઈ રહી છે, જેને લઈને થરાદ પંથકના અનેક વિસ્તારના લોકો પણ જોવા માટે ઉમટ્યા હતા। ત્યારે બંને મશીનરીને પસાર કરીને રાજસ્થાનના બાડમેર ખાતે પહોંચવામાં આવશે। જી બિલકુલ, ધન્યવાદ મોગજી જાણકારી બદલ। સમય